तो दोस्तों, मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है, ये वोल्गोग्राड म्युनिसिपल म्यूजिकल थिएटर है। और ये बिल्डिंग को नाम दिया गया है मेलनित्सा गर्गाटा। फील होता है कि रशियंस ने सच्ची में बहुत ही बड़ा नुकसान फेस किया है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन साइट देखने मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे स्टेयर्स बन रहे हैं, तो ये स्टेयर्स वो पीछे वाले जो स्टेयर्स है उसको मैच करेंगे और बेहद खूबसूरत नज़ारा, मतलब एकदम वाइड पैनोरामिक दिखेगा। और यहाँ पर भी स्टेयर्स है, देखो, तो ये नदी किनारे तक ये स्टेयर्स रहेंगी। स्टेडियम टाइप बनने वाला है ऐसा लग रहा है। वहाँ पर कुछ ना कुछ एक मॉन्यूमेंट बनाने का तैयारी चालू है। नीचे बोट्स लगी हुई है, यहाँ पर काफी ओपन स्पेस दिया गया है, ओपन थिएटर जैसा कुछ ना कुछ बनाएंगे ऐसे लग। सो एक मॉडर्न स्टैचू भी मिल गया यहाँ पर, मैंने सोचा नहीं था कुछ इस तरह से भी स्टैचू होगा यहाँ पर। मानना पड़ेगा भाई, बहुत हार्ड वर्किंग है। पीछे जो ये बिल्डिंग है, ये वोल्गोग्राड म्युनिसिपल म्यूजिकल थिएटर है। सो दोस्तों, ये है वोल्गोग्राड पैनोरामा म्यूजियम। ये एक मेमोरियल स्टीम मिल हुआ करता था, जहां पर ये मजदूर लोग यहां पर काम करते थे, और वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन्स ने यहां पर युद्ध छिड़ा था। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मतलब एक मेमोरी के तौर पर ये बिल्डिंग ऐसी की ऐसी रख दी गई है। इसके पीछे एक कारण है, मतलब ये जो बिल्डिंग का लाइट इफेक्ट है वो हर टाइम थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहता है, और कुछ देर बाद तो ऐसा लगेगा कि मतलब अंदर सच में फायरिंग वगैरह चालू है। और जिस तरह से यहाँ पर ये रखा गया है, मुझे अपने जालियांवाला बाग की जो कुआ है जालियांवाला बाग में, उसका याद आ गया। कसम से दोस्तों, यहाँ पर जो दीवारें है उस पर कुछ छेद है, मतलब बुलेट्स वगैरह गई थी, बुलेट्स अभी नहीं है बेसिकली, बट वो छेद अभी भी है। बॉम्ब गिराए गए थे, काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा हुआ है बिल्डिंग पे, तो वो देखने मिल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद वो फील होता है कि रशियंस ने सच्ची में बहुत ही बड़ा नुकसान फेस किया है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। और ये बिल्डिंग को नाम दिया गया है मेलनित्सा गर्गाटा। मेलनित्सा गर्गाटा, यस दोस्तों, ये स्टालिनग्राड के महायुद्ध के टाइम पे, स्टालिनग्राड युद्ध हुआ था वो यही है दोस्तों, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वाकई अंदर कुछ कुछ लाइट्स लगाई गई है, और अंदर लाइट्स देखकर ऐसे फर्श, मतलब जमीन भी दिख रही है, जो ऐसा लग रहा है कि उनमें से लाशें निकालने के बाद मतलब वैसे के वैसे ही जमीन रख दिया गया है।
इतने सालों से ये ज़मीन ऐसी ही है, मतलब ये दीवारें ऐसे ही है। बहुत अलग लगा वाइब्स मुझे यहाँ पर, मतलब बहुत बहुत नुकसान सहा है रशियंस ने, पता नहीं, मतलब बहुत दर्दनाक लगता है यार। 1 घंटा बिताया यहाँ पर मैंने, कई सारे रिव्यूज़ पढ़े, कि कई सारे कमेंट्स पढ़े गूगल पे, ये बहुत ही दर्दनाक है। ये एक्चुअली ये एक मील हुआ करती थी, मजदूर लोग यहाँ पर काम करते थे और बेहद नुकसान उठाया है ये। और बिल्डिंग ऐसी की ऐसी ही रखी गई है, कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, जमीन तक नहीं बनाई गई है, उसके वैसे के वैसे अंदर जाना भी अलाउड नहीं है वहां पर।